हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्टजेन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बोकारो ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स कैसे हम लोग टैब क्रिएट करते हैं, है ना। मतलब अगर कोई मेनू, अगर होम, इंसर्ट, पे लेआउट के अलावा अगर कोई मेनू खुद से क्रिएट करना हो और उसमें खुद से ऑप्शन वगैरह रखना हो तो कैसे कर सकते हैं, कैसे इस विंडो का कलर, जैसे ये ब्लू कलर का एमएस वर्ड का विंडो जो दिखा रहा है ना, आपको कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड, ये हम लोग सीखेंगे फ्रेंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्विक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले आपको क्या करना है, डेवलपर टैब बनाने के ऑफिस बटन में जाना है, उसके बाद वर्ड ऑप्शंस में जाना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, पॉपुलर में क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा, शो डेवलपर टैब इन रिबन, मतलब ये जो रिबन है ना, इसमें ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे व्यू तक ही टैब आपको मिल रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिलेगा जिसका नाम क्या हो रहेगा, डेवलपर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके कर दीजिए, ये देखिए डेवलपर टैब नाम से। अब इसके अंदर आप जो जो ऑप्शंस रखना चाहते हैं रख भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारा क्विक, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक टूल बार, ठीक है ना, सो क्विक टूल बार बिलो रिबन, ठीक है ना। यहाँ पे ये सो ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये होता है, आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता भी दिए थे, ठीक है ना। इसमें अगर जैसे मान लीजिए सेव अंडो, अगर आप इसमें अलग से कुछ ऐड करना चाहते हो, तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे चाहते हो कि आप सपोज दैट फॉन्ट का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना फॉन्ट का नहीं है, तो यहाँ पे ऐड कर दें और ओके कर दें फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन भी ऐड हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ से फॉन्ट वाला भी ऑप्शन ऐड हो गया फ्रेंड, यहाँ से डायरेक्ट आपका फॉन्ट खुल जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार था, लेकिन इसी पे आप क्लिक करते हैं सो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं। बिलो द रिबन का मतलब ये हो गया कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार था यहाँ पे रिबन के जस्ट नीचे आ गया, इसी पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा फ्रेंड। जैसा आप करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं, इसको पकड़ के भी डायरेक्ट आप ऊपर रख सकते हैं, आई थिंक ये पकड़ के रखने से भी चला जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिमाइज रिबन, यहाँ से रीसेट कर दो और ओके कर दो, ओके कर दो, ठीक है, यहाँ पे हट जाएगा, इस तरह चला जाएगा फ्रेंड। अभी तो इसमें नहीं गया है, लेकिन आपको अदर आप कंप्यूटर में चला जाएगा। और आपको है ना, जो एमएस वर्ड का जो विंडो है उसको आप कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, इसी में जाओ, वर्ड ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे जैसे कलर स्कीम है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो सिल्वर और ओके कर दो। देखो यहाँ पे एमएस वर्ड का जो कलर है ना, सिल्वर कलर का हो गया। किस में जाना, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शंस, अगर हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं तो ब्लैक, ब्लू कर देंगे तो ब्लू, यहाँ पे देखिए ब्लैक कर दिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक हो गया। ऐसे ये सब चीज जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है ना। डेवलपर टैब का जरूरत पड़ता है इसमें, जैसे मैक्रो वगैरह है, कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। प्रोटेक्ट मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगाना हो तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।